इतने दिन के गैप के बाद अब जाके मेरा गला ठीक हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे गले में टॉन्सिल्स हो गए थे। टॉन्सिल्स की वजह से मैं पानी भी नहीं पी पा रहा था। उस वजह से मेरा वेट पता कितना गिरा, 3 किलो। मेरा 60 था, 61 होने वाला था, मैं वापस 57 पे आ चुका हूँ। बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी गिर गई और सामने खुद को देख रहा हूँ तो पतला दिख रहा हूँ। तो यार ये टॉन्सिल्स यार बहुत बुरी चीज है यार। मेरे को काश इसका पता होता ठीक से कि ये ठीक कैसे होता है। मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई, बहुत ज्यादा, पर फिर भी एक हफ्ता लग गया मेरे को ठीक होने में। और बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था, पानी तक नहीं पी पा रहा था। बट अब जाके सब कुछ ठीक हुआ है। तो आज से स्टार्ट करते हैं अच्छे से वर्कआउट, अच्छे से अपनी डाइट लेना। पता है जब है ना तुम कोई चीज नहीं, या तुम्हारे पास कोई चीज नहीं होती ना, तब तुम्हें उसकी वैल्यू पता चल जाती है। ये जो बात थी ना, इसका मेरे को मतलब पता चल गया। क्योंकि जब मैं पानी भी नहीं पी पा रहा था ना, तब मुझे लग रहा था कि जब मेरे को खाना खाने को मिल रहा था तब मैं खाता नहीं था। और अभी जब मेरे को भूख लग रही है पर मैं खा नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए क्रेव कर रहा हूँ बस, लेकिन खा नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दर्द होगा। तो ये चीज़ मुझे पता चली और मैं अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपनी मील लेने वाला हूँ। फिर उसके बाद निकलूंगा जिम के लिए। जब तक के लिए अभी मील लेता हूँ यार। तो स्वागत आप सभी का एक न्यू वीडियो में। रही बात वेट रिकवरी की, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से। 2 हफ्ते में मेरे ख्याल से वापस आ जाना चाहिए, बट मुझे लगता नहीं है 2 हफ्ते में 3 किलो बढ़ेगा। देखते हैं, अपनी मील लेते हैं पहले। ये प्री वर्कआउट मील अपनी, चिकन राइस। चिकन राइस ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को राइस चाहिए, मेरे को अच्छे खासे कार्बोहाइड्रेट चाहिए अपने वर्कआउट से पहले। तो अपना चिकन राइस ख़त्म करते हैं। गेंस ऑफ वासेपुर मैं इतनी बार देख चुका हूँ, पर फिर भी मैं तो ये बार बार देखता रहता हूँ। तो मस्त लगती है मेरे को ये सीरीज में, कुछ अलग ही बात है भाई, सही बता रहा हूँ। भाई मैं इसको रास्ते भर ढूंढ रहा था, ये नहीं मिली मेरे को यार। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। मैं बता, मैं यही सोच रहा था कोई मेरे लिए किटकैट ले आए, क्योंकि मेरे को मिली नहीं रास्ते में। भाई देखो किटकैट पे किटकैट, मन की सुन लेते हैं यार। वो तो सुन नहीं भाई, मैंने ब्लॉगिंग चालू कर दी। अब अमित नट मेरे साथ कोलैब करने के लिए ना, तुम्हें फॉलोअर चाहिए। पहले अपने फॉलोअर मां का बड़ा दुआ था, कोलैब नहीं करना उसके साथ ही करूं। फॉलोअर है क्या आज तुम्हारे गोल्ड लेवर यार।
क्योंकि अकेले अकेले क्यों निकल रहा है? फोन कितने जाऊंगा यार, सब अपनी गाड़ी से, मैं अपनी गाड़ी से अकेले ही जाऊंगा भाई। ओके बाय। यार वर्कआउट तो काफी अच्छा हुआ, मतलब काफी, इतना भी अच्छा नहीं हुआ, काफी बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ क्योंकि यार इतने ऐसा लग रहा है कि है ना, ये जो भले ही ज्यादा दिन का गैप नहीं लिया, एक हफ्ते का खराब हुआ होगा मेरा, बट उन एक हफ्ते में मैंने खाना ठीक से नहीं खाया, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। उस वजह से जो वेट गिरा है ना, वो मेरे को फील हुआ यार कि बहुत ज्यादा ही वेट गिर गया। 3 किलो यार दिख रहा है बॉडी में, पतला सा दिख रहा हूँ बहुत ज्यादा, प्लस वेट भी नहीं उठ रहा ठीक से, तो लग रहा है वेट तो, चलो वेट का तो कुछ नहीं है, वेट उठना ना उठना वो तो एक वैसी बात है, मतलब लाइक वो तो उठ जाएगा, वो तो हैबिट की बात है, बट जो वेट गिरा है ना उसको रिकवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मिरर में देख के खुद को पतला देख के बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन मिलता है, उससे ज्यादा बेकार डिमोटिवेशन और कुछ भी नहीं होता। खुद को अगर तुम नीचे देखो गिरता हुआ तो बहुत ज्यादा ही बेकार लगता है। या दूसरी बात ये रही कि मेरे को है ना, लाइक मेरे पास है ना ऐसे कोई परमानेंट, मेरा कैमरा मैन तो है नहीं जो मेरे आगे पीछे कैमरा लेके घूमे, तो मेरे को ट्राइपॉड ले जाना है जिम में, बट मेरा ट्राइपॉड ये है यार, मैं दिख रहा होगा ये थॉमस वाई के आगे जो रखा है, बट इसका तुम नीचे का ये देखो ना, ये बॉटम देख रहे हो, बॉटम जो ट्राई वो निकले उसके लेग्स, तो प्रॉब्लम ये है कि वो बंद नहीं होते यार, और वो चीज़ वो बैग में नहीं आ पा रही, जैसे बोलते हैं ना मूवी में डायलॉग होते हैं कि तेरे मुंह में छाता डाल के खोल दूंगा, तो वो खुला हुआ छाता समझ लो बैग में रखना है, तो वो बैग में नहीं आ पा रहा है, तो वो मुझे फाइंड करना है मेरे को। मैं सोच रहा हूँ मेरे पे इतने सारे ट्राइपॉड रखे हुए हैं, बट मोस्ट ऑफ मतलब मोस्टली ट्राइपॉड मेरे बड़े ही हैं, तो ऐसा मंगाने का कोई सेंस बन नहीं रहा कि मैं उसके लिए मंगा लूँ, क्योंकि अगर मैं ट्राइपॉड मंगाता भी हूँ तो कोई अगर मैं अगर लाइट सा उसकी क्वालिटी लाइट सी अगर मैं मंगा लेता हूँ तो उससे कैमरा गिर जाएगा, और अगर हैवी मंगाता हूँ तो हैवी ऑलरेडी मेरे पास रखे हुए हैं, तो प्रॉब्लम ये आ रही है मेरे ख्याल से मेरे को बैग ले लेना चाहिए एक बड़ा, क्योंकि इस बैग में मेरे आ नहीं पा रहा है, तो मेरे को बैग लेना चाहिए मेरे ख्याल से, और ट्राईपॉड पर रख के ज़्यादा ईजी रहेगा। मैंने आज नई जिम गया था, देखी होगी कैसी लग रही है जिम, मुझे बताना, और ट्राईपॉड या ट्राईपॉड का करते हैं रट्टा खत्म करते हैं, ट्राईपॉड का, ट्राईपॉड पर रखो आराम से एक्सरसाइज लगाओ, बार बार है ना ऐसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो शूट करना होता है ना, तुम भी देख रहे होगे कि मैं इतनी क्लिप्स नहीं डाल पाता, क्योंकि यार शूट करवाना पड़ता है ना सबसे, मतलब लाइक शूट कर दो, तो वो चीज, तो मेरे को ट्राइपॉड एक ले ही जाना है अपना, यही वाला ट्राइपॉड, ये बहुत बेस्ट ट्राइपॉड है यार, मैं तुमको दिखाता हूँ ये कैसा है। ये एक्चुअली मैं बताऊँ, ये ट्राइपॉड मैंने बनाया, पता है ये ट्राइपॉड, ये जो इसका ये पार्ट है ना, ये इतना इतना अलग पार्ट है, ये किसी और चीज का पार्ट है, ठीक है, लाइट का, किसी और लाइट का पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये ऊपर का, ये मोनोपॉड का है, ठीक है, ये मोनोपॉड का है, और ये लाइट का है, ठीक है, जो रिंग लाइट है, और जो रिंग लाइट लगी हुई है जिस पे, वो है हेलोजन लाइट का, ठीक है, तो ये हेलोजन लाइट का तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा भाई, ये तो मेरे बैग में कहीं से भी नहीं आएगा। और रही बात इसकी, तो ये आ सकता है, बट ये क्लोज नहीं होगा इतना, ये इतने पे स्टॉप हो जाता है, तो इसको बैग में रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बाकी ये बेस्ट है यार, बहुत ज़्यादा बेस्ट है इसकी क्वालिटी, और साथ में ऊपर मोनोपॉड का लगा हुआ है ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। अभी मैं अमेजोन से मंगा तो लूँगा, ठीक है, तो बट वो है ना बहुत ही ज़्यादा है ना सस्ती क्वालिटी का आ जाएगा, और जो हैवी मंगाऊंगा तो हैवी मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए, तो सोच रहा हूँ या तो यही यूज़ कर लूँ, इसका कुछ करूँ बैग वैग में रखने का ट्राई, या तो जो मेरे पास हैवी वाले रखे हुए हैं उनको ले जाना स्टार्ट करूँ, देखता हूँ एक बार। तो आज की वीडियो को अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं भाई, ज़्यादा रात हो गई है, मैं भी आज जल्दी सोऊंगा, वीडियो थोड़ी एडिट करूँगा, और हाँ भाई तुम अगर इंस्टा पे नहीं हो तो मेरे इंस्टा पे आओ यार, दरिकी आनंद यूज़र नेम है, उस पे आओ फटाफट, बाकी वहाँ पे मैंने अपनी बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशंस अपलोड कर रखी हैं, वहाँ पे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखना। अभी डाइट अपनी दोबारा से स्टार्ट करेंगे, तो मैं डाइट का भी एक ब्लॉग बनाऊंगा दोबारा, अब ये समझ लो ब्लॉग किस पे मार दूंगा मैं, तुमको लाइक करना है, तुमको शेयर भी करना है, तुमको एंगेजमेंट भी देनी है, और तुमको सब्सक्राइब नहीं करा है तो करो सब्सक्राइब, और तुम्हारे दोस्त ने नहीं करा तो उससे भी करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।